गाजीपुर में कोरोना के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। सोमवार की सुबह फिर से गाजीपुर में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मालूम हो कि गाजीपुर में दो नए कोरोना मरीजों के मिलने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 23 जून को स्टेट बैंक के मेन ब्रांच का एक कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उसके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच कराई गई, जिनमें से आज दो लोगों का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है। इनमें से एक मरीज उसका भाई है, जो कि उसके साथ ही काली नगर कॉलोनी में रहता था। वहीं दूसरा मरीज स्टेट बैंक का कर्मचारी है, जो कि आमघाट कॉलोनी गाजीपुर के रहने वाले हैं। आइए अब आपको गाजीपुर में कोरोना वायरस के ताजे आंकड़े बताते हैं। गाजीपुर में अब तक कुल 327 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से 289 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आज सोमवार की सुबह भी तीन मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। गाजीपुर में अब तक कोरोना वायरस के कारण तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद देखें तो जिले में अब कुल 35 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। हमारी आप सब से अपील है कि अधिक से अधिक सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने चेहरे को मास्क से ढक कर ही बाहर निकलें। गाजीपुर में कोरोना से संबंधित हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।